नमस्कार दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम पंचिंग और ब्लैंकिंग के बारे में पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों ही शीट मेटल के ऑपरेशन हैं और ये दोनों वह ऑपरेशन हैं जिसके अंदर हमारी शीट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता जैसे कि हमारे अदर प्रोसेस लाइक फोर्जिंग या मशीनिंग प्रोसेस में होता है और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट भी मिल जाता है चलिए इसको अच्छे से समझते हैं बात करते हैं पंचिंग की तो पंचिंग एक शेयरिंग ऑपरेशन है जो कि पंच और डाई की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है और इसके अंदर जो हमारा आउटपुट होता है वो शीट होती है जिसके अंदर कुछ होल क्रिएट किए जाते हैं वो किसी भी शेप के हो सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारी शीट है ये हमारी अभी सॉलिड शिफ्ट है यहाँ पे हमने पंच परफॉर्म किया तो पंच परफॉर्म होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे एक सर्कुलर इमेज क्रिएट हो गई अब ये सर्कुलर होल जो है ये हमारा बाहर आ गया कुछ इस तरह से तो पंचिंग के केस में ये शीट जो है हमारी ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है यानी हमें इसी की ज़रूरत है और ये जो सर्कुलर होल है ब्लैंक है ये हमारे लिए वेस्ट है जिसको हम स्क्रैप भी कहते हैं ये हमारा पंचिंग ऑपरेशन होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन भी एक शेयरिंग ऑपरेशन है जो पंच और डाई की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है इसके अंदर जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो ब्लैंक होता है और ये ब्लैंक किसी भी शेप के हो सकते हैं कुछ इस तरह से ये है मेरी शीट है ये है मेरी सॉलिड शीट है यहाँ पे पंच एक्शन परफॉर्म होता है तो इसके अंदर कुछ इमेज क्रिएट हो जाती है कुछ इस तरह से तो आप देखेंगे ये इमेज बाहर आ गई तो अब ये जो हमारी इमेजेस हैं लाइक सर्कुलर ये हमारे लिए प्रोडक्ट है और ये जो बाकी बची हुई शीट है यानी ये शीट ये हमारे लिए क्या है वेस्ट है यानी ये ब्लैंकिंग के केस में स्क्रैप होता है तो मेन डिफरेंट हमारे एंड प्रोडक्ट का होता है पंचिंग और ब्लैंकिंग में पंचिंग को पियरसिंग भी कहा जाता है ये तो था हमारा मेन डिफरेंस चलिए कुछ और हम इसके बारे में बात करते हैं कि पंचिंग और ब्लैंकिंग को किस तरह से अलग अलग किया गया है यहाँ पे आप देखेंगे पंचिंग और ब्लैंकिंग में यहाँ पे हमारे दो पंच हैं ये दोनों ही पंच कैसे हैं मूवेबल हैं जो फर्दर किसी मैकेनिकल लिंकेज की सहायता से अप और डाउन मोशन करते हैं यहाँ पे हमारी दो डाई है ये डाई कांस्टेंट होती है इसके ऊपर यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर की लाइन में वर्कपीस है और इसके ऊपर यहाँ पे हम स्टोपर यूज करते हैं दोनों ही एंड पे ये स्टोपर क्या करते हैं ये एक तरह से इस वर्कपीस के ऊपर होल्डिंग फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण ये वर्कपीस स्टेबल पोजीशन में रहता है चलिए बात करते हैं अब कुछ इसके डिफ्रेंशिएशन की सबसे पहले हम बात करते हैं शेयरिंग की कि शेयरिंग क्या होती है जिसके कारण पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों हो रहे हैं तो शेयरिंग एक कटिंग ऑपरेशन होता है और इस शेडिंग ऑपरेशन के लिए तीन स्टेज होती है पहली स्टेज जो होती है वो होता है मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का होना जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जब कंटिन्यू जब यहाँ पे फोर्स के कारण मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है तो क्या होता है यहाँ पर कंटिन्यू फोर्स के बाद उसमें क्रैक्स जनरेट होती हैं ये क्रैक्स हमारा फ्रैक्चर भी होती है ये फ्रैक्चर क्या करता है इस मटेरियल के वीक पॉइंट से स्टार्ट होता है जैसे ये हमारा मटेरियल है यहाँ पे हमारा पंच इम्पैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो इसका सबसे वीक पॉइंट होता है उससे स्टार्ट होती 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 फर्दर नेक्स्ट वीक पॉइंट और ऐसे करते करते इसमें क्रैक और बाद में फर्दर हमारा फोर्स के कारण यहाँ पे कटिंग परफॉर्म हो जाती है तो हमारा क्रैक जनरेट होती है और जब क्रैक जनरेट हो जाती है और क्रैक प्रोपोगेट होती है उसके बाद यहां पर कटिंग होती है जिसको हम शेयर भी कहते हैं तो शेयरिंग हमारा तीन स्टेज होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रैक और कटिंग चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इसके शेयर एंगल की कि शेयर एंगल क्या होता है देखिए शेयर एंगल पंचिंग और ब्लैंकिंग के केस में अलग अलग हम प्रोवाइड करते हैं पहले बात करते हैं हम पंचिंग की तो पंचिंग के अंदर जो शेयर एंगल होता है ये देखिए वो हम यहाँ पे पंच को प्रोवाइड करते हैं बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू में 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 पूछा जाता है कि पंचिंग पंचिंग के के केस केस हम हम शेयर शेयर एंगल एंगल किसको प्रोवाइड प्रोवाइड करते करते हैं हैं तो पंच को बात करते हैं ब्लैंकिंग तो ब्लैंकिंग के केस में ये शेयर एंगल आप देखेंगे हमने डाई को प्रोवाइड किया है डाई को चलिए समझते हैं कि हमने यहां पे पंच और डाई को क्यों प्रोवाइड किया हम चाहते तो दोनों में ही हम पंच को दे देते तो उसका रीजन ये होता है फ्रेंड्स जो शेयर एंगल होता है वो क्या करता है वो मटेरियल में कटिंग करता है और उसके कारण मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आती है तो हम शेयर एंगल उस टूल को प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारा एज ए वेस्ट है या स्क्रैप है अब पंचिंग के केस में आप देखिए हमारे हम हमने यहाँ पे जब पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पे जो सर्कुलर होल क्रिएट हुआ ये हमारे लिए क्या एक वेस्ट है तो हमने इसलिए यहाँ पे पंचिंग में शेयर एंगल प्रोवाइड किया और ये पंचिंग का शेयर एंगल आप देखेंगे ये थीटा जो है ये अलग अलग शेप का हो सकता है ये देखिए ये आप इस पंचिंग में वी शेप का भी हो सकता है ये हमारा यू शेप का भी हो सकता है ये इन्वर्टेड यू भी हो सकता है और भी बहुत सारी शेप हैं जिस शेप में ये शेयर एंगल प्रोवाइड किया जाता है पंच को बात करते हैं ब्लैंकिंग की ब्लैंकिंग के केस में ये शेयर एंगल हम डाई को प्रोवाइड करते हैं आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जो ओरिजिनल हमारा मेटेरियल लाई कर रहा है उसके बीच में यहाँ पर एंगल है ये एंगल शेयर एंगल है इसलिए यहाँ पे हमने शेयर एंगल डाई को प्रोवाइड किया हुआ है ये शेयर एंगल क्या करता है यहाँ पे हमारा जो एंड प्रोडक्ट है जैसा अभी हमने डिस्कस किया वो क्या है हमारी सर्कुलर होल है या किसी भी अदर शेप की होल्स हो सकते हैं कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से और भी बहुत सारे शेप हैं जिस शेप के हमें होल चाहिए होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ ब्लैंकिंग करते हैं यहाँ पे हमने डाई को दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमारा स्क्रैप क्या है बची हुई शीट है और ये हमारा प्रोडक्ट है चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं शेयर एंगल हो गया उसके बाद हम बात करते हैं क्लियरेंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस क्लियरेंस सबसे पहले समझते क्या होती है देखिए क्लियरेंस एक गैप होता है ये पंच है हमारा ये पंच को मैं नीचे स्ट्रेट लाइन लाता हूं और ये आप देखेंगे डाई इन दोनों के बीच में ये गैप देख रहे हैं आप इसे वो क्लियरेंस कहते हैं तो यानी पंचिंग के केस में हम जो क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं वो किसको करते है? डाई को करते हैं डाई तो यहां हमने क्लियरेंस कहा बीच में तो यानी यहां पे क्लियरेंस को और ब्लैंकिंग की बात करें ब्लैंकिंग में ये क्लियरेंस हम पंच को प्रोवाइड करते हैं देखिए यहां पंच में और डाई को कैसे प्रोवाइड करते हैं यहां पंच का डायमीटर मान लीजिए डी है तो यहां पे डाई का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा डी प्लस में टू टाइम्स ऑफ थिकनेस जो भी आप इसके बीच में मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ये मेटेरियल टू मेटेरियल वेरी करती है यानी टू टाइम्स ऑफ क्लियरेंस टू टाइम्स ऑफ सी बात करते हैं ब्लैंकिंग की ब्लैंकिंग में आप देखेंगे जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है जैसे कि आपको ये आपको लेना है तो यहाँ पे क्या होता है डायमीटर ऑफ पंच माइनस टू टाइम्स ऑफ क्लियरेंस यानी यहाँ पे क्या हो गया पंच का डाया कम हो गया यानी क्लियरेंस हमने किसको दी पंच को इसलिए ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस है वो पंच को प्रोवाइड की जाती है ये इसमें इसके मेन बेसिक डिफरेंस थे पंचिंग और ब्लैंकिंग के बात करते हैं अब इस पंचिंग और ब्लैंकिंग के टूल की तो पंचिंग और ब्लैंकिंग बार बार कटिंग ऑपरेशन करने के कारण इसको बहुत सॉलिड मटेरियल का बनाया जाता है या तो ये हमारा टंगस्टन कार्बाइड का बना देते हैं हम इसे टंगस्टन कार्बाइड या फिर हम इसको हार्डन स्टील का बनाते हैं हार्ड एंड स्टील का ये हमारे पंचोडाई के मेटेरियल हैं बात करते हैं इसके ऑपरेशन की एप्लीकेशन की तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एरो और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में या फिर मास प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हम पंचिंग और ब्लैंकिंग का यूज करते हैं ये था पंचिंग और ब्लैंकिंग के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग